हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक रिज़ल्ट डिस्कस करने वाले हैं। वो सभी पे एप्लीकेबल नहीं होता, पर ज़्यादातर को ये पता नहीं होता। देखिए, रिज़ल्ट क्या है। सपोज़ आपके पास कोई दो नंबर्स हैं रूट में, रूट ए और रूट बी, और इनका मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो रूट ए इंटू बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 2 है मल्टीप्लाई रूट 3 है, तो आप क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 6। ठीक है, जनरली ऐसा यूज करते हैं हम। क्या ये सभी नंबर्स पे एप्लीकेबल है, ये देखते हैं। देखिए, अगर ये -2 हो और ये रूट 3 हो, प्लस के लिए तो मैंने लिख दिया, ठीक है, सो ये हो जाएगा -2 इंटू 3 रूट -6। ठीक है जी, अगर ये रूट 2 इंटू रूट -3 हो तो भी ये हो जाएगा -√6। बट अगर ये -2 मल्टीप्लाई -3 अगर ऐसा हो तो क्या ये +6 हो जाएगा या नहीं। ठीक है, ऐसा देखना है हमें, ये यहाँ जो है इसको डिस्कस करना है। चलिए, अंडर द रूट नेगेटिव नंबर है आपके पास तो वो कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आ जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा इक्वल्स टू अंडर द रूट -1। ठीक है, वी ऑल नो। ओके, अगर मैं आयोटा स्क्वायर करता हूं, देखिएगा आयोटा स्क्वायर, मैं रेड लेना चाहता था, वापस ही मेरे पास ब्लैक आ गया। आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज रूट -1 इंटू रूट -1, सेम। ठीक है, दोनों वैल्यूज रूट में जो है वो नेगेटिव हैं, तो क्या मैं इसको यूं लिख दूं, -1 इंटू -1 दैट इज +1, और आंसर में आपको मिल गया 1 आयोटा स्क्वायर। क्या ऐसा होगा, जबकि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर होता क्या है, -1। क्यों, क्योंकि आयोटा इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। जिसने भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है वो इन चीजों को जानता है। ठीक है, सो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए। हमने पूरा मैथमेटिक्स सही किया है, 1 आ रहा है। आयोटा स्क्वायर हम -1 कंसिडर करके चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, दो वैल्यूज तो हम यूज नहीं कर सकते, दिस इज नॉट एनी ऑर्डनरी सब्जेक्ट, इट्स मैथमेटिक्स। 2 + 2 4 ही होंगे, 4 ही थे, 4 ही हैं, 4 ही रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा। गॉट इट। ठीक है, तो या तो -1 होगा या फिर 1 होगा। तो ये जो रिलेशन है जो हम यूज करते हैं, ये सभी वैल्यूज के लिए सही है, मतलब वैलिड है। व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0, व्हेन ए इज लेस देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0 बट बी इज लेस देन 0, बट व्हेन ए इज लेस देन 0 एंड बी इज ऑल्सो लेस देन 0, तो ये रिलेशन वैलिड नहीं है। ठीक है, ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, आई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 लें या आयोटा स्क्वायर 1 लें, इस कन्फ्यूजन को दूर कैसे किया गया है कि ये जब कंडीशन होगी, रूट में दो वैल्यूज हैं आपके पास ए एंड बी, बोथ आर नेगेटिव, देन दिस रिजल्ट इज नॉट वैलिड, यू कांट यूज दिस रिलेशन एट दैट टाइम। उस समय आपको ये रिलेशन यूज नहीं करना है। अगर ये नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही हम फिर यूज करेंगे, इसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट्स क्या हो गए, रूट -2 को क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाई रूट 3 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1, सो -√6। ठीक है, गॉट इट। चलिए, आई होप ये मैं क्लियर कर पाया आपको कि जहां कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन अराइव होता है मैथमेटिक्स में, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन मैथमेटिक्स आपको प्रोवाइड करता है। जैसा कि इस केस में रूट ए रूट बी अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये रिलेशन हम यूज नहीं करेंगे, फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम यूज करेंगे, और आंसर आपके पास हो जाएगा ये इस केस में। ठीक है, गॉट इट। ओके, थैंक यू।